हमें ब्लूटिक तो जीरो सब्सक्राइबर पे भी मिल जाएगा, जीरो सब्सक्राइबर पे भी मिल जाएगा। यूट्यूब पर ब्लूटिक का बेनिफिट बताता हूँ मैं आपको, क्या होता है यूट्यूब पर ब्लूटिक से बेनिफिट। तो पहली बात तो ये, हमारे चैनल के आगे कौन नहीं चाहेगा कि है ना यूट्यूब पे हमारा एक चैनल हो, चैनल के नाम के आगे एक वेरीफाइड यानी ब्लू टिक हो, जिससे लोग हमारे को बोले यार ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको इसलिए ही सेफ ने ब्लू टिक दिया है। तो यार एक 600 रुपये का लिया हुआ ब्लू टिक और एक खुद की मेहनत से लिया हुआ ब्लू टिक, उसमें कितना ज़्यादा अंतर है। तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल बिंदास सागर सिंह ब्लॉग्स चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आप मेरे वीडियो पर थंबनेल देखकर ही आए होंगे, क्योंकि है ना आजकल के इस टाइम पर यूट्यूब पर सबको अपने चैनल के आगे ब्लू टिक चाहिए, है ना। तो आप क्या सोच रहे हो कि 1K सब्सक्राइबर पे भी हमारे को ब्लू टिक मिल जाएगा? जी हाँ, मिल सकता है, क्योंकि ये तो वेरीफाइड टिक है जिसे हम ब्लू टिक कहते हैं। तो ब्लू टिक से होता क्या ये पहले ये जानते हैं। हमें ब्लू टिक तो 0 सब्सक्राइबर पे भी मिल जाएगा और 50 सब्सक्राइबर पे भी मिल जाएगा, लेकिन ये मिलता कैसे और इसके बेनिफिट क्या होते हैं और इससे होता क्या है, आइए जानते हैं। क्योंकि बिना वीडियो को टाइम वेस्ट किए ही वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा और आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा कि ब्लू टिक मिलता कैसे। बहुत सारे क्रिएटर ब्लू टिक के ऊपर वीडियो बना बना के डाल रहे हैं और ना छोटे छोटे क्रिएटर को ना बावला बना रहे, क्योंकि मुझे तो ब्लू टिक मिल चुका है तो मैं आपको क्या बावला बनाऊंगा, मैं आपको रियलिटी ही बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई भी किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता और रियल चीज़ें ही बताता हूँ। और आपको झूठ तो मैं बोलूँगा नहीं कि मुझे ब्लू टिक कैसे मिला और कैसे आया, मैं आपको पूरी आपको शुरुआत से एंड तक की बताऊंगा और ये कैसे मिलता है आपको, आपको यही बताऊंगा। ये सीक्रेट राज कोई भी नहीं है, ये सब कुछ आपके सामने मैं पूरे राज खोल दूंगा यूट्यूब के। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यूट्यूब पर ब्लू टिक का बेनिफिट बताता हूँ मैं आपको, क्या होता है यूट्यूब पर ब्लू टिक से बेनिफिट। तो पहला बेनिफिट ये होता है कि इसे हम बेनिफिट भी कह सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, फेम भी बोल सकते हैं। तो पहली बात तो ये, हमारे चैनल के आगे कौन नहीं चाहेगा कि है ना यूट्यूब पर हमारा एक चैनल हो, चैनल के नाम के आगे एक वेरीफाइड यानी ब्लू टिक हो, जिससे लोग हमारे को बोले यार ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको इसलिए ही सेफ ने ब्लू टिक दिया है। आज के टाइम पे हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारे को सब के आगे रियल में ब्लू टिक लगा हुआ मिलता है। तो यूट्यूब पर तो हमें ब्लैक कलर का टिक मिलता है, मुझसे भी ब्लू टिक ही बोलेंगे क्योंकि ये ब्लू टिक के ही उसमें आता है, ठीक है, कैटेगरी में, तो उसको हम ब्लू टिक ही बोलेंगे। जितने भी ऐप पे हमारे को जो नेम के आगे टिक मिलते हैं वो ब्लू टिक ही कहलाते हैं। इनका एक क्राइटेरिया होता है जिनको हमें पूरा करना पड़ता है, जब जाके हमें ये सब चीज़ें मिलती है। मोनेटाइजेशन के बाद ही हमें यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट होती है और कई मोनेटाइजेशन होने के बाद हमें कई फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि जैसे कि मेंबरशिप के पैसे सेंड करते, जैसे अब हमारे को जो पसंद है क्रिएटर ऐसे कुछ ना कुछ हमें ऑप्शन देता है, हम उस पर शॉपिंग का ऑप्शन भी लगा सकते, जिससे हमारे ये खुद की उस पर एक दुकान शॉप बन जाएगी, जिसपे से लोग हमारे सामान को ऑर्डर कर सकते हैं, हम अपनी शॉर्ट्स के नीचे उन चीज़ों को बेच सकते हैं। तो यूट्यूब हमें कई ज़्यादा बेनिफिट्स देता है क्या बोलते चैनल को मोनेटाइज होने के बाद। तो इसी प्रकार से है ना हमें ब्लू टिक कैसे मिलता है, ब्लू टिक के फ़ायदे क्या है। फ़ायदा तो मैंने पहले आपको बताया कि ना सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके ना चैनल के नेम के आगे ना अगर ब्लू टिक लग जाता है तो आपका चैनल प्रोफेशनल लगता है, ऐसे लगता है कि आपका चैनल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ ना। दूसरा ये होता है कि आपका चैनल अभी किसी ने देखा देखे एक और चैनल बना लिया हो, तो जब लोग आपके चैनल को सर्च करेंगे लेकिन आपका चैनल के आगे ना ब्लू टिक लगा हुआ होगा, लेकिन जो नकली वाला होगा उसके आगे नहीं लगा हुआ होगा, तो वो नकली अकाउंट होगा और आपका रियल अकाउंट में पहचानने में बहुत ज़्यादा वो सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है। इसलिए ब्लू टिक का दूसरा फ़ायदा तो ये भी है। और फायदे भी ये है कि है ना और फ़ायदा क्या होगा कि हम कहीं पर किसी के पास जाएंगे, हम ऐसे बोलेंगे हाँ इस ऐप ने हमें ब्लू टिक दे रखा है, तो एक ऐसे नहीं लगता, हमें खुद को अच्छा लगता है हाँ इसने यूट्यूब ने हमें खुद से ना ब्लू टिक दिया है। तो ये वाला फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा था। और मैं आपको बताना भूल गया, आज ना राखी थी, रक्षाबंधन था, तो आप सभी को है ना रक्षाबंधन की ढेरों सारी बधाइयाँ हो। तो क्या है ना राखी मेरी दीदी ने बांधी है, बड़ी वाली दीदी इस बार नहीं आ पाई, डेली रहती है,
तू नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रक्षाबंधन तो एक तरफ हो गया, क्योंकि रक्षाबंधन की बधाई मैंने आपको दे दी, आप भी मुझे दे देना तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ब्लूटिक के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, क्या मेरी ब्लूटिक से अर्निंग भी होती है? देखो सही सही बात थी, अगर ब्लूटिक मिल गया तो हमें अर्निंग तो हो ही रही होगी यूट्यूब से। तो अर्निंग को छोड़ते साइड में, ब्लूटिक को बताते अब ब्लूटिक को लेना कैसे। देखो ब्लूटिक लेने के लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, कोई भी ऐप नहीं है कि आप जाके ब्लूटिक ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम ने अभी एक अपडेट निकाला था जिसमें क्या था, लोग अपने चैनल के आगे बहुत सारे जिनके 50,000 या 1,000 सब्सक्राइबर या 2,000 सब्सक्राइबर भी होंगे ना, 300 सब्सक्राइबर भी होंगे, 600 रुपये आप इंस्टाग्राम के मुंह पे दो और वो आपको एक ब्लूटिक दे देगा अपने चैनल के आगे, जिसके आपके आगे ब्लूटिक दिखेगा और आप भी प्रोफेशनल बन जाओगे। और आप भी जाके यूट्यूब किसी भी चैनल पे कमेंट करते हो, मतलब इंस्टाग्राम के, तो वो सोचेगा और मेरे ब्लूटिक वाले ने कमेंट कर दिया, जब वो आपके चैनल पे जाएगा अरे इसकी तो 2,000-3,000 सब्सक्राइबर, इसको ब्लूटिक कैसे मिल गया, जरूर 600 रुपये में ख़रीदा होगा। तो यार 600 रुपये का लिया हुआ ब्लूटिक और खुद की मेहनत से लिया हुआ ब्लूटिक, उसमें कितना ज़्यादा अंतर है। तो यूट्यूब ने अभी तो है ना, जैसे कि अब मैंने आपको बताया, अभी तक मैंने आपको वीडियो में यहाँ तक रोक के रखा कि आप ना यूट्यूब से ना ब्लूटिक कैसे ले सकते हो। इसका एक क्राइटेरिया होता है, मैं आपको क्राइटेरिया पूरा बताता हूँ कि कैसे आप YouTube से ब्लूटिक ले सकते हो। तो सबसे पहले आप बात तो ये है ब्लूटिक लेने की कि ना, अगर आप YouTube पर डेली वर्क करते हो, कंटिन्यू वर्क कर रहे हो, आपकी चैनल पे कोई भी गाइडलाइंस नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक होना चाहिए, चैनल पे एक भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, चाहे वो रेड कलर का कॉपीराइट हो या येलो कलर का कॉपीराइट स्ट्राइक हो या ग्रीन वाला हो, इनमें से तीनों में से कोई सा भी नहीं होना चाहिए। और सबसे दूसरी बात आ जाए, धूप आ रही है तो थोड़ा उसको इग्नोर मारते हुए आप मेरी बात पर ध्यान दो तो वो काम की रहेगी, वीडियो को स्किप मत करना। और क्या बोल रहे थे मैं, आपकी कोई भी गाइडलाइन वगैरह नहीं आनी चाहिए, किसी भी चीज़ में स्ट्राइक वगैरह नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, आप अपनी वीडियो को खुद चला चला के मत देखो, खुद के चैनल से खुद चला के मत देखो, उसका व्यूज़ काउंट होता है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि है ना, यूट्यूब उस वीडियो को है ना आगे से ही बंद कर देता है, वो वीडियो आगे नहीं जाती है। ओके, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, उस बात पर ध्यान देना, वो वीडियो आगे नहीं जाएगी। दूसरी बात, वीडियो आगे भी जाएगी तो चैनल, जो यूट्यूब का चैनल है वो उसे बंद कर देगा कि ना ये अपने चैनल से खुद ही वीडियो को वॉच कर रहा है, इसलिए इस चैनल को बंद कर दिया जाए। और उस पर स्ट्राइक आएगा बहुत भयंकर वाला, वो आपको चैनल क्या पता सही भी हो नहीं भी हो, तो उसका हम कह नहीं सकते। तो आपको बात समझ में आई होगी। अब क्राइटेरिया क्या है, हर चीज़ का क्राइटेरिया, जैसे हमें चैनल को मोनिटाइज करने के लिए 4,000 घंटे चाहिए होते हैं, 4K 1,000 हमें चाहिए होते हैं। और YouTube पे है ना, जैसे बीच में हमें ना कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन मिलता था, उसके लिए हमें 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने पड़ते थे, जब जाके हमें कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन मिलता था। लेकिन आज के टाइम पे हर क्रिएटर को कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। और धूप आ रही है यार, और इस टाइम पर बोलते बोलते भूल जाते हैं मुझे क्या बोलना होता है। हाँ, जैसे कि कम्युनिटी पोस्ट के लिए भी हमारे को ना 500 सब्सक्राइबर क्लियर करने पड़ते थे। और यूट्यूब पे उस टाइम की बात करें तो यूट्यूब पे स्टोरी टैब मिलता था कि हम स्टोरी लगा सकते हैं अपने चैनल पर, तो उस टाइम पे वो कैसे मिलता था हमारे को, हमें अपने चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने पड़ते थे, जब जाके हमें स्टोरी टैब मिलता जिस पे हम अपनी स्टोरी लगा पाते थे, अपनी न्यू वीडियो का लिंक लगा पाते थे, जिससे डायरेक्ट लोग हमारी वीडियो को जाके वॉच कर लेते थे, लिंक पे क्लिक करके उसका भी व्यूज काउंट होता था और वो भी बहुत टाइम में जुड़ता था। तो उस टाइम पे स्टोरी टैब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। लेकिन यूट्यूब वालों ने क्या किया, जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, मुझे स्टोरी टैब भी मिला, उससे मेरे स्टोरी देखते भी थे लोग, बहुत सारे लोग स्टोरी देखते थे, मुझे उससे फ़ायदा भी होता था। लेकिन थोड़े दिन बाद पता चला कि एक हफ्ते बाद में स्टोरी टैब को है ना इंडिया में बंद कर दिया गया, मतलब पूरी ओल्ड कंट्री में स्टोरी टैब को बंद कर दिया गया था। उसके बाद एक नया टैब निकला था कम्युनिटी पोस्ट वाला, जिसमें हम अपनी इससे पोस्ट डाल सकते, क्योंकि ऐसे बताया गया था कि कम्युनिटी पोस्ट और है ना जो स्टोरी टैब है दोनों ही टू कॉपी जैसे बने हुए हैं। तो अब दोनों को देंगे तो फालतू में यूट्यूब में फीचर्स बढ़ेंगे और ना अपडेट बढ़ेंगे, इसलिए उस वाले इफेक्ट को हटा दिया गया था। इफेक्ट क्या, अपडेट को हटा दिया गया स्टोरी टैब को, और उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन दिया गया।
कम्युनिटी पोस्ट में भी यही है, उसमें हम अपनी फ़ोटो लगा लेते हैं, लगाते क्या डाल लेते हैं, अपनी पोस्ट डाल लेते हैं और उसके ऊपर अपना लिंक डाल देते वीडियो का, इस वीडियो को जाके देखे, इस वीडियो पे लाइक करे फ़ोटो पे, और जैसे हमारा जो वीडियो का थंबनेल होता है उस थंबनेल को भी हम कम्युनिटी पोस्ट पे ना शेयर कर सकते हैं, ऊपर वापस वीडियो को हम लिंक दे सकते हैं, उस पर से जो कम्युनिटी पोस्ट जिसके पास जाएगी, आपके चैनल जितने सब्सक्राइबर है उन सब्सक्राइबर्स के पास जाएगी, वो सब्सक्राइबर्स भी उस पर कम्युनिटी पोस्ट को लाइक करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, उसके बाद ऊपर लिंक भी दिया हुआ होगा तो लिंक पर भी क्लिक करेंगे अगर आपको चाहते होंगे तो। और दूसरी बात, कम्युनिटी पोस्ट का फ़ायदा यह है कि ना हम उस पर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, क्या आप हमारे, क्या मैं लॉन्ग वीडियो डालूँ या नहीं डालूँ, क्या मैं शॉर्ट डालूँ या नहीं डालूँ, आपके सब्सक्राइबर आपको जवाब देंगे जी हाँ डालो या नहीं डालो, वो आपके सब्सक्राइबर के ऊपर डिपेंड करता है यू नो। तो ऐसे करके ना आप अपने सब्सक्राइबर से पूछ सकते हो। अब आपको बताता हूँ हम कैसे ना अपने यूट्यूब पर ब्लू टिक ले सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 1000 पे भी आप ब्लू टिक ले सकते हो, 5 सब्सक्राइबर पे, 200 सब्सक्राइबर पे, 500 सब्सक्राइबर पे आप ब्लू टिक ले सकते हो। जी नहीं, रॉन्ग, नहीं मिलेगा आपको ब्लू टिक, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है ब्लू टिक के लिए। जैसे हम 4000 घंटे कंप्लीट करते हो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, वैसे ब्लू टिक के लिए भी हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसका भी क्राइटेरिया होता है। मैं रो धो के ना आप लोगों से ना बहुत मेहनत कर करके मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, तो उसके बाद यूट्यूब ने मुझे ब्लू टिक दिया था, जिसे वेरीफाइड टिक कहा जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे अकाउंट का जैसा कोई सिमिलर अकाउंट बना ले तो आपको इस चीज़ में हेल्प मिलेगी कि ये रियल अकाउंट है, ये नकली नहीं है। तो इसलिए मेरे को ब्लू टिक दिया गया यूट्यूब की तरफ से, उसके बाद मैंने उसका स्टोरी भी लगाया था, मुझे यूट्यूब की तरफ से ब्लू टिक मिल गया। उस टाइम पे लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो ब्लू टिक इस तरीके से आपको यूट्यूब पे मिलता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि 1,00,000 से ऊपर सब्सक्राइबर कम्प्लीट होने चाहिए, 1,00,000 से प्लस मतलब 1,00,000 से तो ऊपर ही होने चाहिए कम से कम, क्योंकि आपको डायरेक्ट नहीं मिलता, जिसके चैनल पर कोई गाइडलाइन स्ट्राइक वगैरह नहीं होता उसी को यूट्यूब है ना ब्लू टिक देता है। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, आपको कोई वेबसाइट नहीं मिलेगी ऐसी जिधर से आप ना ब्लू टिक ले पाओगे, ना ही आपको ऐसी कोई एप्लीकेशन मिलेगी जिससे आप ब्लू टिक ले पाओगे। और आजकल है ना आपको यूट्यूबर्स बावला बना रहे कि 2 मिनट में आपको वेरीफाइड का टिक दिलवाते हैं, ये सब झूठ है। आपको 1,00,000 प्लस सब्सक्राइब होगी, आपकी पूरी है ना डिटेल चेक करता है यूट्यूब, जब आपको ना वेरीफाइड का टिक मिलता है तो पूरा यूट्यूब आपको चेक करता है, आपकी पूरा अकाउंट को चेक करता है, तो इसलिए आपको वेरीफाइड का टिक दिया जाता है। तो लोग जो आपको बता रहे हैं उनकी बातों को ना सुनते हुए आप अपने काम पे फोकस करें, आप अपने काम पे इस तरीके से फोकस हो कि हमें जल्दी से जल्दी 1,00,000 सब्सक्राइबर हम कंप्लीट कर लें और आगे तक हमारे को ब्लू टिक भी मिल जाए, सिल्वर प्ले बटन भी मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और पास बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और सब्सक्राइब भी कर देना। वापस बोल रहा हूँ, बिंदास सागर सिंह ब्लॉग्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बिंदास सागर सिंह ब्लॉग्स, 2 बार बोल दिया मैं, बाय।